माजी को आप बदल नहीं सकते, मगर हाल और मुस्तकबिल आपकी मुट्ठी में होते हैं। अच्छा वक्त अच्छी यादें दिलाता है, लेकिन बुरा वक्त अच्छा सबक। अल्लाह परिंदे को भी रिज़्क़ देता है, लेकिन उसके घोंसले में नहीं डालता। आधे और अधूरे दिल से किए हुए कामों का नतीजा हमेशा अधूरा ही रहेगा। पहले खुद में वो तब्दीली लेकर आओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिशें भी तुम्हें ही करनी होंगी। वो काम करो जो तुम्हारा दिल चाहे, दुनिया की तनकीद से तुम बच नहीं सकते। जो शख्स दूसरों की कामयाबी का सोचता है, असल में वही शख्स कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा विन विन पॉलिसी पे ज़िंदगी गुजारता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी दुनिया में और लोगों में हलचल मचा दे। कभी भी किसी के सामने सफाइयाँ पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जो तुम पर यकीन नहीं रखता वो मानेगा नहीं। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम लोगों में वो ऐब तलाश करो जो तुम में मौजूद। कामयाबी का दिया आपके खून पसीने से जलता है। जो तुम्हें खुशी में याद आए तो समझो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें तकलीफ में याद आए तो समझो कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत होती है। नेक लोगों से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि जब हवा फूलों में से होकर गुजरती है तो अपने साथ खुशबू भी लेकर आती है। जो तुम्हारी खामोशी से आपकी तकलीफ का अंदाज़ा न लगा सके तो ज़ुबान से बोलना बेसूद है। ये दुनिया भी अजीब है, ईमानदार को सादा और बेवकूफ़, और बेईमान को अक्लमंद और चालाक, और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो वक्त को बर्बाद करने की कोशिश करता है, असल में वक्त उसको बर्बाद करता है। जिस मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं, उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करना असल में घाटे का सौदा है। असल फ्यूचर तो इंसान की ज़िंदगी के बाद शुरू हो जाता है। मुस्तकबिल के लिए मेहनत करो जिसका कोई एंड नहीं, और जो असल में और एक्चुअल कामयाबी है। सक्सेस को जानने और समझने की कोशिश करो। जिसको हम सक्सेस कहते हैं, असल में ये ग्रोथ है। सक्सेस वो है जिसका ताल्लुक अंदरून से हो, और जिसका ताल्लुक रब कायनात के लिंक से हो।